हेलो फ्रेंड्स, जॉबलेट बाय हरदीप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पंजाब स्टेट विच आने वाली नवीं भर्तियों की अपडेट सब तो पहला पाने मेरे चैनल में सबसक्राइब करना ना भुल्यो। वीडियो चंगा लग्या लाइक जरूर करो। दोस्तों, पंजाब विच छे तरह दी नवीं भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं जी, जो हुणे आए सी। सब तो पहला थोड़े नाल मैं शेयर करन लगा कौन अप्लाई कर सकता, किवें तुसीं अप्लाई करना, एज की होगी, क्वालिफिकेशन की होगी, पूरा डिटेल दसांगा। कृपा करके वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर एक जी, आसा स्कूल चंडी मंदिर वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया जी। इन्हां पोस्टां लई डायरैक्ट थोड़ा इंटरव्यू होगा जी, आसा स्कूल चंडी मंदिर कैंट विच 11 सितंबर 2019 नूं बुधवार वाले दिन 10 बजे तों 12 बजे दे विच विच। रिपोर्टिंग टाइम है जी 8:30 बजे दी। जदों तुसीं इंटरव्यू अटेंड करन लई जाणा जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सैल्फ अटैस्टड कॉपीज़ अपने नाल लैके जानी जरूरी है जी। दोस्तों, जो कैंडीडेट्स पुराने ने जिन्हों को एक्सपीरियंस आ उन्होंने पहल दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी रिक्वेस्ट है जी, जेकर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्यो। वीडियो चंगा लगे लाइक जरूर करो। पोस्ट है जी ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट की पोस्ट है जी। पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटड फील्ड में तुसीं कंप्लीट की है, 2 साल को एक्सपीरियंस है, या फिर ग्रेजुएट इन रिलेटड फील्ड में तुसीं कंप्लीट की है, 3 साल को एक्सपीरियंस है, तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। एक पोस्ट है जी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट है जी। ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा तुसीं कंप्लीट किया है, या मैट्रिक प्लस 2 DSE विद 1 साल का थोड़े को एक्सपीरियंस है, तो तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। एक पोस्ट है जी फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है जी। 10वीं तुसीं पास की है तो अप्लाई कर सकते हो जी। एक पोस्ट है जी मेल अटेंडेंट की पोस्ट है जी। 10वीं तुसीं पास की अप्लाई कर सकते हो जी। एक पोस्ट है जी। दोस्तों, एज लिमिट है जी 59 साल तक थोड़ी एज है, तुसीं अप्लाई कर सकते हो जी। ज़्यादा जानकारी लिए तुसीं इन्हां दे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो जी, या फिर तुसीं मेल द्वारा भी जानकारी ले सकते हो जी। नोटिफिकेशन नंबर 2 जी, दफ्तर प्रिंसीपल सरकारी रिपदम्मन कॉलेज नाभा पटियाला वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी, जिहदा इंटरव्यू होना सी 23/8/2019 नूं। पोस्टां सी फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बटोनी, हिंदी अते पंजाबी दीआं। सरकार वल्लों 23/8/2019 नूं सरकारी छुट्टी घोषित करन तों बाद इंटरव्यू होवेगा जी 28/8/2019 नूं सवेरे 10 बजे। एड्रैस मैनशन किया गया जी, इस एड्रैस पर तुसीं पहुँच के इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो जी। नोटिफिकेशन नंबर 3 जी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। पोस्टां ने जी एम्स बठिंडा वास्ते ने जी। 23 पोस्टां ने जी सीनियर रेजिडेंस दियां, 2 पोस्टां ने जी सीनियर डेमोस्ट्रेटर दियां। दोस्तों, इन्हां पोस्टां लई डायरैक्ट थोड़ा इंटरव्यू होगा जी। तुसीं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है जी, कंप्लीट बायोडाटा एप्लीकेशन फार्म जो तुसीं इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट तों डाउनलोड कर सकते हो जी, सर्टिफिकेट्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आदि दे सर्टिफिकेट सारे नाल अटैच करके जी 28/8/2019 3 बजे तों पहला रिक्रूटमेंट सैल क्रॉन ब्लॉक ऑफ द इंस्टीट्यूट विच जमा करवा देने ने जी। इंटरव्यू थोड़ा होगा जी 29/8/2019 नूं 10:30 बजे। और ज़्यादा जानकारी लिए तुसीं इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो जी। नोटिफिकेशन नंबर 4 जी, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विस हिमाचल प्रदेश शिमला वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। टोटल पोस्टां ने जी 92 पोस्टां ने जी पुलिस कॉन्स्टेबल दियाँ, CNTS दियाँ। पे स्केल है जी 5,910 रुपये तो लैके 20,200 रुपया। ग्रेड पे दी जाएगी 1900 रुपया। स्पेशल पे है जी 120 रुपये। क्वालिफिकेशन है जी 3 सालों का डिप्लोमा तुसी कंप्लीट किया जी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच किसी मानता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड तो, तुसी इन पोस्टां लई अप्लाई कर सकते हो जी। अप्लाई करन दी लास्ट डेट है जी 30/9/2019 तो पहला तुसी अप्लाई कर लेना जी। ज़्यादा जानकारी लई तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो जी। नोटिफिकेशन नंबर 5 जी, जेल अधीक्षक जिला कारागार पानीपत वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया जी। पोस्ट नंबर 1 जी, सिपाही कर्मचारी पुरुष दियां पोस्ट ने जी 7, सिपाही कर्मचारी महिला की पोस्ट है जी 1, सेवादार की पोस्ट है जी 1, अते लांगरी कुक की पोस्ट है जी 2। उम्र सीमा जी 18 तों लैके 42 साल थोड़ी एज है। 10वीं तुसी पास की है तो तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। वेतनमान हरियाणा सरकार के अनुसार दिता जाएगा जी। जिदे कोल अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वह कैंडिडेट नूं पहल दिती जाएगी। दोस्तों, इन्हां पोस्टां लई डायरैक्ट थोड़ा इंटरव्यू होगा जी 28/8/2019 नूं जेल अधीक्षक जिला जेल पानीपत कार्यालय में इंटरव्यू लिया जाएगा।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਨਾਂਕ ਹੈ ਜੀ 28/8/2019 ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਓਰਿਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਜੀ, ਕੰਟੀਨ ਮੈਨੇਜਰ URC ਮੋਹਾਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਨਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੂੰ। ਅਪਲਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਜੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ CSD ਕੰਟੀਨ ਦਾ। ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਓਨਲੀ ਸ਼ੋਰਟ ਲਿਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ TADA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੀਨ ਆਫਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ EME ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।